वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी की पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखी किताब हार नहीं मांगूंगा का रविवार को विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह में वरिष्ठ पत्रकार रमन नंदा ने विजय त्रिवेदी से किताब और वाजपेयी से जुड़े सवाल किए। इस चर्चा के दौरान वाजपेयी के संघ से जुड़ाव, वाजपेयी की राजनीति, भारत पाक रिश्तों को सुधारने में वाजपेयी की कोशिशों, आडवाणी से वाजपेयी के मतभेद, करगिल ऑपरेशन, संसद हमला सहित कई घटनाओं पर किताब में किए गए जिक्र पर चर्चा की गई। वाजपेयी जी कार्यकर्ताओं में बैठ करके व्यक्तिगत रूप से उनसे चर्चा करके और उनको दिशा निर्देश देते थे, ये उनका सबसे बड़ा गुण था। और जिसमें जो कुछ कमी होती थी या उनको अच्छा नहीं लगता था तो इनडायरेक्टली मिठास के साथ उसको संकेत भी दे देते थे। हिंदुस्तान की राजनीति 1950 से 2004 तक किस तरह से चली है, बल्कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने तक 2014 तक 2015 तक की राजनीति में क्या क्या बदलाव आया, उसमें इमरजेंसी का भी जिक्र है, उसमें जनता पार्टी का भी जिक्र है, उसमें जनसंघ के बनने का, जनसंघ के टूटने का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो एक रहस्यमय मौत है उसका है, दीनदयाल उपाध्याय का एकात्मवाद है उस पर चर्चा की गई है, गठबंधन सरकार में ममता, जया, माया की क्या मुश्किलें होती थी वो है, फिर कांधार जैसी घटना, संसद पर हमले की घटना, कारगिल की घटना, ऑपरेशन पराक्रम की घटना और जो परमाणु विस्फोट की जो घटना जिससे हमने ऑपरेशन बुद्धा इस्माइल कहा, उन सब घटनाओं का भी जिक्र है कि हिंदुस्तान किस तरह से आगे बढ़ा है।